तो दोस्तों फिर से यहाँ पर लेकर आ चुके हूँ तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए, जो छात्र छात्राओं ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक का परीक्षा जो है सोशल साइंस आने की जो है सामाजिक विज्ञान का 19 फरवरी को देंगे, उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए यहाँ पर जो है वायरल प्रश्न पत्र जो यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, जो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में जो यहाँ पर परीक्षा हॉल में सीधे जो यहाँ पर हुबहू क्वेश्चन जो है आप लोग को सारा का सारा प्रश्न जो है आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है ध्यानपूर्वक सारा का सारा प्रश्न पत्र को जो यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि ये सारा का सारा प्रश्न पत्र जो है यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र है, जो आप लोग को परीक्षा हॉल में सीधे जो है हुबहू क्वेश्चन जो आप लोग को सारा का सारा देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो फटाफट से जो है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए ध्यानपूर्वक। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक जो आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, और बगल बेल घंटिया जाएगा उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे, आप लोग देख सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो फटाफट से सारा का सारा वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को जो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ये जो था कौन था, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया था, राइट आंसर जो यहाँ पर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर दो नंबर प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने जो है यहाँ पर किस पद पर जो है नियुक्ति किया? तो ये जो नियुक्ति किया यहाँ पर किस पद में, ये जो किया था प्रधानमंत्री के पद में, राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर जो है तीन नंबर प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ जो होता है रूस का सम्राट, राइट आंसर डी सही है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है चार नंबर है, कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ? कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ? तो ये जो है जर्मनी में हुआ, राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आप डाउट नट, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही डाउट नट पर क्लास 9 से 12 बच्चों के लिए चल रही इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी डॉट नेट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। 5 नंबर प्रश्न है, वल्लभभाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान जो है दी गई? वल्लभभाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान जो है दी गई? तो ये जो है बारदोली के दौरान जो है यहाँ पर दी गई, तो राइट आंसर आप लोग को ये सही है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर है, रामपा विद्रोह कब हुआ? रामपा विद्रोह कब हुआ? तो रामपा विद्रोह जो है यहाँ पर 1916 ईस्वी में हुआ, राइट आंसर जो है आप लोग को ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है आप लोग को 7 नंबर प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो ये जो लागू हुई 1870 ईस्वी में, तो आप लोग को राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन जो यहाँ पर कुछ धुंधला है पेज, यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेटन यूडस सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन यूडस सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ये जो हुआ था यहाँ पर 1944 ईस्वी में, तो इसका राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो ये जो था यहाँ पर कहाँ का, यानी कि फ्रांस का, राइट आंसर ये सही है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी का संबंध जो था किस संगठन से था? तो ये जो था यहाँ पर आप लोग को हो जाएंगे कार्बोनरी से, राइट आंसर जो है बी सही है, कार्बोनरी से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है यहाँ पर पूर्ण प्रति योग्य है, तो राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है, यहाँ पर तट रेखा में कितने किलोमीटर के क्षेत्र की जो है सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा जो है अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र जो है कहलाते हैं? तो ये जो यहाँ पर आप लोग को जो हो जाएंगे यहाँ पर 200 किलोमीटर, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने जो है भारत का मंदिर कहा था? तो ये जो कहा था किसने, पंडित नेहरू ने कहा था, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो आप लोग को 14 नंबर प्रश्न है, कुल जल का जो है कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो ये जो है यहाँ पर है 96.6%, राइट आंसर जो 96% यहाँ पर जो क्या हो जाएंगे 96.6% हो जाएंगे, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 15 नंबर, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये जो है आप लोग को हो जाएंगे पश्चिम बंगाल, राइट आंसर जो यहाँ पर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो आप लोग को 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो आप सभी
को पता होंगे कि खरीफ फसल जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, चावल हो जाएंगे, और रबी फसल पूछेंगे तो यहाँ पर जो है आप लोग को क्या हो जाएंगे, गेहूँ हो गया, रबी फसल सरसों हो गया, मटर हो गया, ये सब जो है रबी फसल हो गया, और यहाँ पर खरीफ फसल जो यहाँ पर चावल हो गया यानी कि धान यहाँ पर हो जाता है खरीफ फसल। राइट आंसर जो यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 17 नंबर प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा जो है राज्य है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा जो है राज्य है, तो प्रथम स्थान पर जो राज्य है महाराष्ट्र है। राइट आंसर जो है आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सड़कों का जो है एक वर्ग नहीं है, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को पूर्व पश्चिम गलियारा। राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जो है आप लोग को हाजीपुर में है, यानी कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है यहाँ पर आप लोग को क्या हो जाएंगे, तो हाजीपुर में आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है 20 नंबर प्रश्न है, बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है, तो ये जो है यहाँ पर 6283 किलोमीटर है, आप लोग को ध्यान रखना है। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है यहाँ पर अब्राहम लिंकन का है, आप लोग को ध्यान रखना है। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो अब्राहम लिंकन का है। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितना थी, तो यहाँ पर जो है कितना था, तो यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग को क्या, 23 का राइट आंसर जो आप लोग को 71 करोड़। राइट आंसर बी सही है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप लोग को 23 नंबर प्रश्न जो दिया गया है कि संस्था के फैसलों में जो है यहाँ पर व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, तो सही कथन जो इसमें से आप लोग को हो जाएंगे लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में जो है सक्षम। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है, यही कथन जो यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है, तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है यहाँ पर ये आप लोग को 3 स्तरीय है, आप लोग को ध्यान रखना है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो 3 स्तरीय है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो आप लोग को 25 नंबर प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो ये जो किया था यहाँ पर जो है जयप्रकाश नारायण ने। राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को जो है बहुमत मिला, तो ये जो मिला था यहाँ पर किसका, जनता पार्टी को जो है यहाँ पर बहुमत मिला था, तो राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर है, निम्नलिखित में कौन जो है भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, तो ये जो है यहाँ पर महेंद्र सिंह टिकैत थे, तो राइट आंसर आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो 28 नंबर प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में जो है शुरू किया गया, तो ये जो शुरू किया गया यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो ये जो पड़ती है यहाँ पर क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटे समाज में, तो राइट आंसर 29 का ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 30 नंबर प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, तो संघीय व्यवस्था में सरकार जो है बहुदलीय होती है। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 31 प्रश्न है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति जो है आय सर्वाधिक है, तो ये जो है गोवा हो जाएंगे, और इसी जगह पर जो आप लोग को बिहार दे देगा, तो यहाँ पर जो है बिहार का जो है यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, बिहार में जितने जिले होंगे यहाँ पर 4 जो आप लोग को जिला का ऑप्शन दे देगा, तो यहाँ पर जो है बिहार का पूछा जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बिहार का जो है पटना हो जाएगा। राइट आंसर जो आप लोग को पटना हो जाएगा। यहाँ पर जो भारत में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भारत में आप लोग को गोवा जो है प्रति व्यक्ति आय जो यहाँ पर सर्वाधिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति जो है आय सर्वाधिक है, तो यहाँ पर पटना हो जाएंगे। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है, और भारत का पूछेगा तो गोवा हो जाएगा, और बिहार का पूछेगा तो यहाँ पर पटना, आप लोग को ध्यान रखना है। सारा का सारा जो है यहाँ पर ये वायरल प्रश्न पत्र है, आप लोग जो है यहाँ पर ध्यानपूर्वक जो है सारा का सारा प्रश्न पत्र जो है फिर से आप दोबारा से जो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 33 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो ये जो आवेदन शुल्क जो यहाँ पर लगता है कितना लगता है, तो 33 का जो है आप लोग को राइट आंसर जो क्या हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं शुल्क लगता है, तो राइट आंसर जो आप लोग को डी सही। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर, सन 2008-09 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, सन 2008-09 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, तो ये जो है कितना है, तो यहाँ पर जो हो जाएंगे आप लोग को 25,494 रुपये। राइट आंसर बी सही, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट
प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं, तो वित्तीय संस्थाओं के प्रकार जो है यहाँ पर क्या होते हैं, दो होते हैं, राइट आंसर जो आप लोग को डी सही। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 36 नंबर, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है, तो ये जो है आप लोग को हो जाएंगे दो है, तो राइट आंसर आप लोग को सी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, बिहार का कौन सा जो क्षेत्र बाढ़ग्रस्त से जो यहाँ पर क्षेत्र है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो ये जो है बिहार का जो है उत्तरी बिहार है, यानी कि उत्तरी बिहार में जो है ज़्यादा बाढ़ आने की जो यहाँ पर संभावना रहती है, तो राइट आंसर डी सही है। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है किसका, यानी कि कोसी का, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो जाना जाता है यहाँ पर सुनामी के नाम से जाना जाता है, आप लोग को ध्यान रखना है, सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 40 नंबर प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो है मानव शरीर में जो है आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, तो ये जो करना चाहिए यहाँ पर अस्पताल पहुँचना, राइट आंसर आप लोग को सी सही है। तो आप लोग को जो यहाँ पर परीक्षा हॉल में जो आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप लोग को मिलेंगे, जिसमें से जो यहाँ पर जो है 40 का जो है जवाब जो है आप लोग को क्या करना है, करेक्ट आंसर जो आप लोग को OMR शीट में जो है आप लोग को फिलअप कर देना है, राइट आंसर यहाँ पर ध्यानपूर्वक। चलिए तो इस वीडियो को जो यहीं पर अंत करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।